स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में हम बात करेंगे ग्राउंड इफेक्ट ट्रेन के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या ये हाइपर लूप किलर है या नहीं। तो सबसे पहले ये समझते हैं ये क्या है। तो आप ये समझिए, एक एयरक्राफ्ट में एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम लोग कहते हैं ग्राउंड इफेक्ट। ये तब होता है जब भी आपकी कोई हाई स्पीड मूविंग चीज़, हाई स्पीड एज इन ऐसा नहीं कि सुपरसोनिक, हाई स्पीड एज इन लाइक आप 60 से 70 से ज़्यादा स्पीड पे चल रहे हो और वो एक हार्ड सर्फेस के नज़दीक आ जाती है, जैसे कि ज़मीन हो, चाहे ग्राउंड हो, चाहे वो पानी हो, मतलब हवा से डेंस होना चाहिए। आप जब उसके नज़दीक आ जाते हैं वो हवा आप पे बाउंस करने लगता है, उस दरमियान ग्राउंड इफेक्ट हो जाता है। नाउ ये प्लेन के लिए जनरली एक फजीहत वाली चीज़ है क्योंकि प्लेन बनाया गया है हाई एल्टीट्यूड पर चलने के लिए, तो ग्राउंड इफेक्ट से इसको लड़ना पड़ता है। लेकिन आप कर भी ऐसा सकते हैं कि ग्राउंड इफेक्ट का ही इस्तेमाल करके आप चल सकें, तो उसी को हम लोग कहते हैं ग्राउंड इफेक्ट व्हीकल्स। आते हैं ऐसा ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है या कोई नया तिगड़म नहीं है, ये कॉमन चीज़ है। फिर हम लोग यहाँ जो डिस्कशन कर रहे हैं ग्राउंड बेस्ड ट्रेन के बारे में, तो उसको आप ये समझिए कि बेसिकली एरोप्लेन होगा आपका जो कि एक ट्रैक पे चल रहा है और कुछ नहीं है इसमें। आपका जैसे रोड्स होते हैं वैसे उसके भी अपने ट्रैक्स होंगे और उस पर चल रहा है। तो फिर हिसाब बनता है कि हम प्लेन ले रहे हैं, रोड ले रहे हैं, तो फ़ायदा ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर आप ये समझिए कि इफ़िशियंसी सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारे प्लेन जो बनाए गए हैं ये सब बहुत इफ़िशियंट होते हैं, लेकिन चूंकि ये हाई एल्टीट्यूड पर चल रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं तो ओवरऑल इफ़िशियंसी उतनी अच्छी नहीं है। मतलब आप कितना किलोवाट या कितना मेगावाट में कितना दूर जा पा रहे हैं, कितने स्पीड से, वो उतना अच्छा नहीं है। अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, बहुत तेल खाता है। तो अगर आप इसी प्लेन को कन्वर्ट कर देते हैं कि ठीक है भैया तुम ग्राउंड इफेक्ट पे चलो, मतलब इसके विंग्स के डिज़ाइन को चेंज कर देते हैं, तो आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगा कई गुनों में। 10-12% की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, कई गुनों में। रशिया ने मतलब यानी सोवियत यूनियन के दरमियान उन्होंने एक अक्रानो प्लेन बनाया था। ये प्लेन उस टाइम तक का सबसे हाईएस्ट कैरिंग कैपेसिटी था, जो अभी भी लोग कहते हैं अनपास्ट है, क्योंकि ये 1000 टन कैरिंग कैपेसिटी था। एक प्लेन में 1000 टन कैरिंग कैपेसिटी बहुत डिफिकल्ट, और प्लस ये माइलेज, मतलब उसमें भी उतना वजन होने के बाद भी इसका माइलेज अच्छा था। ये बात समझिए, ऐसा नहीं कि प्लेन बना नहीं सकते। 2-3 प्लेन हैं जो एंटोनोव करके 3-4 प्लेन के सीरीज़ हैं जो बहुत भरपुष्ट हैं, लेकिन मतलब माइलेज बहुत ख़राब है, तो इसका माइलेज अच्छा होता है। फिर स्पीड की बात कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ ट्रेन की बात कर रहा हूँ तो आप हर चीज़ को कंपेयर करोगे ना कि ठीक है मैगलेव चलिए मान लीजिए आपका 400 से 500 तक चल सकता है, 600 तक मान लीजिए, 400 से 600। हाई स्पीड ट्रेन जनरली 300 के ऊपर उसका बैंड बचने लगता है, ऐसा नहीं कि जा नहीं सकता, 600 तक छू सकता है लेकिन बैंड बच जाता है। तो ये लगभग प्लेन का स्पीड आपको दे सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं सेफ्टी की। ये इनहेरेंटली सेफ है क्योंकि ये हवा में उड़ नहीं रहा, तो ये गिर नहीं सकता, और ये क्योंकि ग्राउंड इफेक्ट से ही चल रहा है, यानी कि ये ग्राउंड में है। मतलब अगर कुछ भी हो गया, जैसे मान लीजिए पावर ख़राब हो गया या इसका मतलब जो भी इंजन था वो डैमेज हो जाता है, वो धीरे धीरे लैंड कर जाएगा, मतलब बाई डिफॉल्ट, क्योंकि आप नज़दीक में हो तो स्पीड आराम से वो धीरे धीरे ग्लाइड होगा। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि आप मैगलेव में हो तो मैगलेव को गिरने का उसमें भी रहता है मैगलेव, इसलिए मैगलेव में चक्के दिए जाते हैं, इसमें वैसा कोई तिकड़म नहीं है, आप आराम से सेफ रह सकते हो। तो इसीलिए इसको करना चाहते हैं। तो फिर ये काम कैसे करेगा, अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं, साइंस और इसका फिजिक्स समझना चाहते हैं, मैंने लिंक्स दिए हुए नीचे जो वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद अब ये समझिए कि अगर आपको गूगल करना है बस लिखिए अक्रानो प्लेन। ये प्लेन वो टाइप होते हैं जो ग्राउंड इफेक्ट पे ही चलते हैं। मैंने आपको बताया कि जनरली प्लेन को बनाया जाता है ग्राउंड इफेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए। कुछ प्लेन ऐसे बनाए जाते हैं जो ग्राउंड इफेक्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग अक्रानो प्लेन कहते हैं। ये इसमें और नॉर्मल प्लेन में कोई खास अंतर नहीं होता, बस इसको बनाया जाता है कि वो ज़्यादा इफिशियंटली यूटिलाइज़ कर सके। तो आप ये समझिए कि वो जब तक एक हार्ड सरफेस के नज़दीक है, चाहे वो पानी हो चाहे वो कंक्रीट हो, वो ग्राउंड इफेक्ट में रहेगा। तो क्या किया जाता है कि हम लोग उसको एक यू शेप ट्रैक में डाल देते हैं, यानी कि ऐसा ट्रैक के अंदर डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हर तरफ मतलब तीन तरफ से इसके पास एक सॉलिड बेस होती है, ये भिड़ नहीं सकता। ये इसके बाद आप समझिए कि कितना भी ये तेज चले ये भिड़ नहीं सकता अपने साइड से, क्योंकि जैसे ही ये साइड के पास जाएगा ग्राउंड इफेक्ट के चलते यहाँ डेंसिटी बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते ये पुश बैक कर देगा। दूसरे तरफ मान लीजिए इधर अगर वो ठेलाया जा रहा है, मतलब इसका विंग खराब हो गया या इसको बार बार इधर ठेल रहा है, अपने आप इस जगह इतना प्रेशर बढ़ जाएगा उधर वापस चल जाएगा, और फिर मान लीजिए झटका से उधर गया तो उधर भी वही होगा। इसीलिए ये सेल्फ सेंटरिंग है, और इसीलिए हम लोग इसको यू शेप के अंदर डालना चाहते हैं ताकि वो हर अच्छे से स्टेबल रहे हर तरफ से, मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप स्टेबल रहेगा। और चूंकि ये सिर्फ कुछ इंच ऊपर है, ऐसा भी नहीं कि फीट में ऊपर, कुछ इंच ऊपर चल रहा है, कुछ सेंटीमीटर ऊपर चल रहा है, मतलब इसका पावर खत्म भी हो जाता है तो धीरे से ऐसे घिस जाएगा आपको, मतलब थोड़ा सा लगेगा कि अरे कुछ गाड़ी को ब्रेक लग गया, लेकिन एज ए रिस्क के मामले में तो कोई बात ही नहीं है। और 500 किलोमीटर प्रति घंटे तक हम लोग आराम से जा सकते हैं। आप इसको कम भी रख सकते हो, जैसे कि आपको लगता है यार 300 पे ट्रेन बहुत एनर्जी खाता है, ये उतना नहीं खाता, और फ्रिक्शन के मामले में तो है ही नहीं, ये हवा में चल रहा है, मैगलेव जैसा ही आपको इसका परफॉर्मेंस मिलेगा, और मैगलेव से भी अच्छा मिलेगा क्योंकि मैगलेव एयर से लड़ाई कर रहा है, ये एयर से ही काम ले रहा है।
तो आप ये समझिए कि ये एयर को बोल रहा है, अच्छा तुम हमसे लड़ रहे हो, अरे चले जाओ भाई नीचे से, चले जाओ भाई नीचे से चले जाओ, मतलब समझिए ये एरोप्लेन से इसीलिए इतना इफिशियंट होता है, एरोप्लेन लड़ता है इससे और ग्राउंड इफेक्ट प्लेन इसी को इस्तेमाल करता है। तो इतना सिंपल आइडिया कि सिर्फ कंक्रीट से काम हो जाए और मतलब प्लेन से ज़्यादा माइलेज मिल जाए, प्लेन का स्पीड मिल जाए, तो कोई क्यों नहीं कर रहा है इसको। सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है कि पावर डिलीवरी अभी तक हम लोग को समझ में नहीं आई, यानी कि जो भी ट्रेन है उसमें आप एनर्जी कैसे देंगे। तो ये बात को आप समझिए कि एनर्जी देने के लिए दो तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑन बोर्ड फ्यूल, यानी कि आप जो भी बना रहे हैं इसी में आप अपना ईंधन डाल दीजिए, जैसे डीजल ट्रेन होती है, तो वो कोई करना नहीं चाहता क्योंकि एट दैट पॉइंट आप डिपेंडेंट हो जाएंगे कि एक तो प्रदूषण भी होगा, ऊपर से आप ये भी हो जाता है कि तेल का दाम कम बेसी होगा तो आप लटक जाइएगा। तो इस कारण से ऑनबोर्ड फ्यूल को लोग हटा देते हैं कि ठीक है हम ऑनबोर्ड फ्यूल के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो ये आज किया जा सकता है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। और सेंस भी बनता है कि मतलब आपका दाम अप डाउन होगा, प्रदूषण भी होगा, आवाज़ भी बहुत होगा, तो वो कोई करना नहीं चाहता। फिर दूसरे पे आते हैं कि ट्रैक बेस्ड। तो ट्रैक बेस्ड में एक होता है कि आप वायरलेसली या मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट से ले, फिजिकल कॉन्टैक्ट जनरली लोगों ने ट्रैक किया, हिसाब बन गया कि नहीं टेस्ट किया जाता, बहुत ताकत लगता है उसमें। तो अगर आप वायरलेसली पावर ट्रांसफ़र कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ए टू पॉइंट बी ले जा सकते हैं, मतलब इसी में टर्बाइन रहेगा, सब चीज़ यही करेगा, लेकिन इसको आप पावर दे पा रहे हैं तो ये बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। साइड इफेक्ट वो जो आपका ट्रैक्स है उसका दाम थोड़ा बढ़ जाएगा पर किलोमीटर। फिर आता है कि एंड वाला पार्ट है जिसमें ट्रैक ही इसको प्रपल्शन कर रहा है, मतलब आपका ये बोगी जो है ये सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, बोगी में सिर्फ विंग है ताकि ग्राउंड इफेक्ट रहे, और नीचे आपने लीनियर इंडक्शन मोटर रख दिया और ये उसके ऊपर भागते जा रहा है। तो उसका फ़ायदा ये है कि ये तो हल्का हो जाएगा, ये ज़्यादा स्पीड भी चलेगा, लेकिन आपका ट्रैक कॉस्ट अब बहुत महंगा हो गया, अब आपका दाम मतलब मैगलेव को छूने वाला हो रहा है। अभी भी मैगलेव अच्छा खासा दूर है, लेकिन अगर मैगलेव बोलता है भैया हमको 100 मिलियन दो पर किलोमीटर, तो ये बोलेगा भैया हमको 10 से 12 दो, समझ रहे? तो मतलब ये बहुत सस्ता नहीं है। तो यही हमारा लटक जा रहे हैं सबको कि इस व्हीकल को, इस गाड़ी को, या इस बोगी को, या इस कोच को कैसे पावर दें। जब तक ये नहीं कर पाएंगे तब तक लटके हुए हम लोग। तो इसका दाम के बारे में समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप ये समझिए कोई भी चीज़ कैसे भी बनाया, जैसे मैंने हाइपरलूप का स्कैम वीडियो बनाया जो आप यहाँ देख सकते हैं, हाइपरलूप बनाया जा सकता है लेकिन उसका दाम की बस से कम होगा या प्लेन से भी कम होगा वो नहीं होने वाला है। वहीं उसका प्रॉब्लम है कि उसका दाम किसी भी हिसाब में सही नहीं रहेगा। एक तो ट्यूब ही बहुत महंगा होगा, प्लस वो ट्यूब को वैक्यूम सील करने में आपकी बहुत एनर्जी लग जाएगी, प्लस आप जो स्पेस क्राफ्ट बना रहे हैं, क्योंकि प्लेन को भी हवा रहता है, वो हवा खींच के कंप्रेसर से कंप्रेस करके कैबिन में डाल देता है, यहाँ वो आप वैक्यूम में डाल देते हो, उसको पूरी तरह स्पेस क्राफ्ट की तरह बनाना पड़ेगा, तो वो सब का दाम बहुत जल्दी ऐड हो जाएगा। तो दाम के मामले में सोचना नहीं है। तो यहाँ पे ये मैगलेव से तो बहुत सिंपल है, अगर आप ट्रैक में बोलते कि नहीं हम ट्रैक में ही मोटर डाल देते हैं, लीनियर इंडक्शन मोटर, ताकि मेरा वो रोलिंग स्टॉक जो है सस्ता हो जाए, ठीक है, तब भी ये इससे मैगलेव से बहुत सस्ता है। क्यों? क्योंकि मैगलेव में ऐसे करके बनाया जाता है, दो इधर रहते हैं मोटर, एक नीचे रहता है, तब समझते हैं ये करने ताकि वो इधर उधर भिड़े नहीं, तो बहुत महंगा है ये ग्राउंड इफेक्ट के केस। और प्लस मैगलेव के कुछ कुछ सिस्टम में ये होता है कि आप मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करके लेविटेट कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म फ्री का तो नहीं आता ना, तो यानी आप एनर्जी स्पेंड कर रहे हो ताकि आप लड़ मतलब उठ सको, वहाँ पे वो सिर्फ मतलब समझिए आपको एयर का ही इस्तेमाल करके वो लेविटेट हो जा रहा है, आप उससे लड़ाई नहीं कर रहे हैं, एयर ही आपको ग्रेविटी से लड़ने के लिए मदद कर रहा है, जैसे कि नॉर्मल प्लेन में होता है, और वो ज़्यादा इफिशियंटली कर रहा है, तो एनर्जी कॉस्ट भी कम होता है पर किलोमीटर। मैंने आपको बताया कि सिंकेंशन से महंगा तो कुछ है ही नहीं, और आराम से ये उससे तो बहुत कम है। फिर क्या बात आता है कि क्या ये नॉर्मल हाई स्पीड ट्रेन को बीट रहे हैं, जैसे कि अपना बुलेट ट्रेन को? हाँ भी और नहीं भी, अगर हम लोग किसी तरीके से उसे पावर दे पाए, ठीक है, सस्ते तरीके से, मतलब मान लीजिए आपको एक कंपनी बोलती है ठीक है हम पर किलोमीटर आपका गाड़ी को पावर दे देंगे, लेकिन पर किलोमीटर मेरा दाम आता है 10 मिलियन, कोई बोलता है भैया हम 5 मिलियन में तो लीनियर इंडक्शन मोटर ही बिछा देंगे, तो आप मोटर लोगे, तो वो किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, और आप कर सकते हो कि ये हाई स्पीड ट्रेन से ये सस्ता हो, क्योंकि बहुत चीज़ इसमें नहीं है, मतलब समझ रहे, गिट्टी नहीं है, मेटल नहीं है, उतना भारी भरकम स्लीपर्स नहीं लग रहा है, जमीन कम खा रहा है, तो बहुत सारा चीज़ हिसाब देखने के बाद ये आराम से हाई स्पीड रेल को बीट कर सकता है। तो क्या इसमें भविष्य है? क्या भविष्य में हम लोग ये ग्राउंड इफेक्ट ट्रेन देख सकते हैं? तो मैं इस पर कहूँगा होप कम है, तो बहुत ज़्यादा होप नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इस पर काम नहीं कर रहा या कोई इस पर रिसर्च नहीं कर रहा, मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और सबसे बड़ा बोल रहा ना, ये कल सॉल्व हो जाएगा, अगर या तो कोई बहुत बड़ी बैटरी बन जाती है या कोई वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन सिस्टम आ जाता है जो मतलब सस्ते में एनर्जी ट्रांसमिशन कर पाता है, तो कल हम लोग इसको देख सकते हैं कि एक ही इसमें लिमिटेशन है, मतलब हाइपरलूप का तो लंबा लिस्ट बन जाता है, ये प्रॉब्लम है, इसमें वैसा नहीं है, सारी टेक्नोलॉजी सारी साइंस की जा चुकी है, मतलब करके बैठे हुए हैं कि भैया ये प्रॉब्लम सॉल्व करो हम लोग मतलब कूद जाएंगे। क्योंकि जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं क्या इलेक्ट्रिकल प्लेन बनाया जा सकता है, हाँ
क्यों नहीं बनाते, बैटरी नहीं है। बस वैसे समझिए कि सब चीज़ हो चुका है, ये इसका सारा चीज़ हो चुका है, बस किसी दिन किसी ने पावर इशू फिगर आउट कर दिया, अगले दिन आपको दिखेगा कि यहाँ से हाँ हम लोग ग्राउंड इफेक्ट ट्रेन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये रेस में है, जीत नहीं रहा लेकिन है रेस में, मैगलेव के बाद ये सिस्टम सबसे मतलब इफेक्टिव है। तो देखिए आने वाले भविष्य में क्या होता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ग्राउंड इफेक्ट ट्रेन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा कोई बात नहीं, आप दो बार डिसलाइक दबा दीजिए। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और आपको कहूँगा कि मैं सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आप हर वीडियो को देख पाएँ। और प्लीज़ घंटी बजा दीजिए अगर आप फ्री हैं तो। आपने ये मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।